लक्ष्मण जी ने पूरे जीवन भर जानकी जी को एक बार भी भाभी जी कहकर नहीं बोला, एक बार भी, हमेशा माँ कहकर पुकारते थे पहला। और दूसरे, लक्ष्मण जी ने कभी जानकी जी का चेहरा नहीं देखा, 14 वर्ष वन में साथ रहे, कभी भी चेहरा नहीं देखा। ये बात कब खुली? जब जानकी जी का अपहरण रावण के द्वारा हो गया और भगवान सीता जी की खोज करते करते किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे और वहां सुग्रीव से जब भेंट हुई तो सुग्रीव का सरकार, एक दिन हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, रावण किसी नारी को रोते हुए अपहरण करके ले जा रहा था, उन्होंने हमको देखा तो उन्होंने अपने सारे आभूषण ऊपर से नीचे गिरा दिए, वो हमने बटोर कर रख लिए, पोटली में बांध के रखे। अगर आप पहचान लीजिए उनके जानकी जी के हों तो वो तो रावण ले गया है। तो जब सुग्रीव पोटली लेकर आए आभूषणों की और भगवान ने खोली और एक एक आभूषण उठा कर दे, लखन ये देखो शीश फूल मेरी जानकी जी का है क्या, ये टीका मेरी जानकी जी का है क्या, ये नथ जानकी जी के है क्या, ये कर्ण फूल जानकी जी के है क्या, ये कंठहार जानकी जी का है क्या। लक्ष्मण जी रो पड़े। लक्ष्मण जी कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं बता पाऊ, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, मैंने माँ का कोई आभूषण अभी तक देखा ही नहीं, कारण मैंने माँ को आंख उठाकर कभी ऊपर देखा नहीं, मैं तो नूपुरे अहम जाना भी चुक नित्य पाधा भी बंधने, मैं माँ के नूपुर पहचान सकता हूँ और कोई आभूषण नहीं, क्योंकि नित्य माँ के चरण वंदन करता था तो आंखों से चरण ही देखे, मैंने कुछ देखा ही नहीं।